एक कैमरा हो रहा और एक कैमरा है जो मैंने हेलमेट में लगा रखा है। यही एक फ़ायदा होता है और यही चीज़ें होती हैं कि टेक्नोलॉजी से आप किस तरीके से खेल पाओ और क्या कर पाओ। ओके, वायरलेस माइक का जो फ़ायदा ना वो यही है। देखो मैं इस वक्त कितनी ज़्यादा दूर खड़ा हूँ लेकिन मेरी ऑडियो वहाँ तक आ रही है, तो ये होता है एक सेपरेट माइक। तो कुछ ऐसा सा आपको ये फील देगा। मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा, तो सिर्फ मैं लगा के एक चीप एंड बेस्ट आइटम दिखा रहा हूँ, ये है GoPro। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। बहुत दिन हो गए थे कोई भी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो बहुत अजीब सा हो रहा है, सर्दी गर्मी वाला, तो उस चक्कर में थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, लेकिन एक भाई का जो क्वेश्चन था जिस तरीके से उन्होंने वो क्वेश्चन लिखा, उनका वो क्वेश्चन लिखने का तरीका था वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा मुझसे कि सौरभ भाई हेलमेट वाला कैमरा दिखाओ जरा अपने वीडियो में। तो मुझे लगा कि हेलमेट वाला कैमरा क्या होता है, मैंने सोचा कैमरा वाला हेलमेट हो सकता है, ठीक है हेलमेट एंड कैमराज हो सकते हैं। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि वो और ऐसे ही बहुत सारे भाई लोग हों जो कि इस चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहे हो कि हेलमेट के अंदर कैमरा कैसे लगाएं, कौन सा कैमरा लगाएं और कौन सा बेस्ट ऑप्शन मार्केट के अंदर मिलेगा। तो आज उसी के लिए वीडियो है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जो लोग अपनी रॉयल इनफील्ड के लिए, बुलेट के लिए, ठीक है चाहे वो 500 cc हो 600 cc हो, उसके लिए कोई बैकरेस्ट ढूंढ रहे थे ना और थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का बैकरेस्ट ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास। इसको भी देखेंगे, अभी इसको कर देते हैं साइड में, इसको लास्ट में मैं रिव्यू करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे लगता है और इसका क्या यूज़ है। उससे पहले हम देखते हैं हेलमेट वाला कैमरा, ये है स्टील वर्ड का है हेलमेट जिसका मैंने वीडियो दिखाया भी था। इसके अंदर ये इंटरनल वाइजर भी होता है, इनर वाइजर, और ये आउटर भी होता है। बहुत सारे लोग जो मोटो व्लॉगर्स हैं उन लोगों ने ऐसे वाले हेलमेट्स खरीद लिए हैं जिनके अंदर ऐसे करके ग्लास होता है ये, और उन लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि हम इसके अंदर कैमरा कैसे माउंट करें। तो कैमरा देखते हैं कैसे माउंट करते हैं। पहले देखते हैं कैमरा कौन सा है। ओके, कैमरा है मेरे पास ये, एक चीप एंड बेस्ट आइटम दिखा रहा हूँ, ये है GoPro। GoPro कभी भी चीप नहीं होता था, बेस्ट हमेशा से ही होता था, लेकिन ये कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला GoPro, GoPro Hero 2018। ये देखो ये हीरो है, इसकी पहचान है, वरना यहाँ पे आपका हीरो 7 और हीरो 6 हीरो 5 लिखा हुआ आता है इस तरफ। ये काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, 17,000 रुपये का लिया था मैंने 6-7 महीने पहले, जब मैंने सोचा था कि मैं भी मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, बट मेरे से हो नहीं पाई मोटो व्लॉगिंग और मैंने वो आइडिया कर दिया ड्रॉप। आज के लिए मेरे को लगता है कि ये कैमरा मैंने खरीदा था क्योंकि मैं अपने हेलमेट में लगा के दिखा पाऊँ। इस कैमरे के साथ ये वाली एक केसिंग आती है, ठीक है ये केसिंग होती है, ये इसके साथ में आ जाती है, आपको कैमरे के पैसों में ही ये मिल जाएगी। इसको ऐसे करके लॉक करते हैं और ये बन जाता है आपका माउंट, ऐसे करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से, अभी दिखाता हूँ कैसे। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो कैमरा है 17,000 रुपये का है, अगर किसी को खरीदना हो तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1080p का रेजोल्यूशन देता है 60fps पे, ये देखो 1080p 60fps, इसके अंदर रेजोल्यूशन भी दो है वैसे, लेकिन ये 1440 वाला रेजोल्यूशन जो है ना ये बेकार है, इस पर रिकॉर्डिंग मत करना, 60fps पे करना। 60fps मीन्स फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। और ये इसके एंगल्स हैं वाइड, मीडियम और नैरो। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको माउंट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो होते हैं हम माउंट कुछ इस तरीके के, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है मात्र 400 रुपये की किट। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये मैंने बाकी सारे भी मंगाए लेकिन वो पैसे मेरे वेस्ट हो गए, तो मैंने वो वीडियो के अंदर दिखाया नहीं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी मुझे उन सबसे थोड़ी सी बेटर लगी, मतलब ओरिजिनल वाली नहीं है लेकिन बेटर है। तो अब तो ये हो गया जी महंगा जुगाड़ मोटो व्लॉगिंग के लिए, अब मैं बताता हूँ, जबकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है, सस्ते से सस्ता है, लेकिन प्रॉपर एक अगर मोटो व्लॉग करना है आपको GoPro से तो वो GoPro वाला सेटअप है। अब इसको करते हैं साइड, अब देखते हैं सस्ता जुगाड़। सस्ता जुगाड़ क्या होता है, हम सभी के पास एक फ़ोन तो होता ही है, अब फ़ोन हम हेलमेट के अंदर ऐसे करके कैसे लगाएंगे कि इसका कैमरा भी आगे दिखता रहे और हमें स्क्रीन के अंदर भी दिखता रहे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक एक्सटेंशन है,
वो है कुछ ऐसी सी। ये एक एक्सटेंशन है ऐसी टाइट एंड हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन। इसको मैं मतलब ये एक तरीके का इसको क्लिप बोल सकते हो, इसको एक तरीके का होल्डर बोल सकते हो, ऐसे करके लगा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे इसके ट्राइपॉड पॉइंट आता है, ये जो ट्राइपॉड पॉइंट है, ये ट्राइपॉड पॉइंट जब मैं इसके अंदर अभी ये सिस्टम बनाऊंगा, इसके आगे का एक एक्सटेंशन आता है जिसके आगे आपको ये ट्राइपॉड पॉइंट मिल जाता है, वो एक्सटेंशन मैं बताऊंगा कि कौन सा होता है। अब देखते हैं GoPro का सेटअप। चलो अगर मान लो सपोज करो कि मैं ये कैमरा इसके अंदर माउंट कर देता हूँ चिन में, तो अब तो ये मेरे जो वाइजर है इससे अड़ेगा। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे इसको माउंट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये मैं जब इसको बंद करूँगा तो ये इसके अंदर अड़ेगा यहाँ पे आके, ठीक है, कैमरा निकालने के बाद, कैमरा लगने के बाद तो बहुत ज़्यादा अड़ेगा, यहाँ तक खोलना पड़ेगा कैमरा लगाने के बाद, तो हम ऐसा वाला रिस्क लेते ही नहीं है। कभी भी कैमरा माउंट करो ना, पहले ये चीज़ मत माउंट कर देना, ऐसे कभी भी ऐसे करके माउंट मत करना पहला। अगर आप कोई सा भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, चाहे GoPro कर रहे हो या फिर कोई भी एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको उसके केस के अंदर डालो, उसके बाद उसकी पहले फिटिंग्स बनाओ। ये फिटिंग इसके अंदर जाएगी, अब ये फिटिंग इसके अंदर आ गई, अब मैं इसकी GoPro की एक्चुअल फिटिंग खोलता हूँ। यहाँ से GoPro की एक्चुअल फिटिंग जो ओरिजिनल फिटिंग है वो खुल जाएगी, ठीक है, मेरे पास निकल गया ये। अब मैं GoPro की एक्चुअल फिटिंग में ये जो मैंने मंगाई है डुप्लीकेट वाली, इसको ऐसे करके लगा दूंगा, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मेरा ये कैमरा बन जाएगा। मैं ओरिजिनल ही ये यूज़ करूँगा, देखो जबकि मेरे पास ना डुप्लीकेट भी हैं और इनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस ज़्यादा लग नहीं रहा, बट ये थोड़ा सा मैट है और ये थोड़े से शाइनी है, लेकिन हो सकता है कि ये प्लास्टिक थोड़ा सा लो क्वालिटी प्लास्टिक हो और ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक हो, बाकी जो इसका ये बोल्ड है ये तो सेम से ही लग रहा है, बट फिर भी मैं ओरिजिनल यूज़ करूँगा। अब मैं ओरिजिनल इसके अंदर डालता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे करके टाइट कर देता हूँ। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं जब कैमरा यहाँ फिट कर लूँगा तो ये कैमरा कैसा लगेगा, ऐसे इतना एंगल ऊपर तक दिखा सकता है और इतना एंगल नीचे तक ये मुझे दिखा सकता है, जहाँ पे भी मैं इसका एंगल सेट करूँगा। अब इसको दोबारा से खोल लेते हैं यहाँ से चिपकाने के लिए, जब हम इसको वाइजर पे अपने चिपका रहे होंगे। मैंने इसको खोल लिया, कैमरा हो गया मेरा अलग, ये भी हो गया मेरा अलग। इसको लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, जब आप हेलमेट पे चिपका रहे हो तो कभी भी पूरा नहीं निकालना। पूरा मींस जैसे मैंने इसको पहले लगाया था ना, मतलब ऐसे करके मत लगाना कभी भी, क्योंकि फिर आप एंगल नहीं देख पाओगे और हाथ की जो ग्रिप है वो भी कम मिलेगी आपको। ये लगा होगा तो आप एंगल वगैरह देख सकते हो। अच्छा, एक और बात बता दूं, कंफ्यूज मत होना, ये जो येलो टेप है और ये जो राइट वाली साइड है, ये जो टेप होती है दोनों तरफ से एक ही होती है, कोई ज़्यादा है कम नहीं होता, इसके अंदर 3M टेप्स होती हैं। ऐसे करके इस टेप को मैं हटा लेता हूँ। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसके अंदर नीचे की तरफ, जितना नीचे हो सकेगा मुझसे, मैं इसको चिपकाने की कोशिश करूँगा। ये ऐसे पहले हल्का सा चिपकाओ, जब आपको लगे कि एंगल ठीक है, एंगल ठीक लग रहा है आपको, अब इसको ऐसे करके प्रेस कर दो और इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करके रखो। और थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए अगर आप चाहते हो तो इसमें MZ वगैरह आप भर सकते हो साइडों में, जिससे कि और ज़्यादा आपको सेफ्टी मिल जाएगी कि ये रास्ते में गिरे ना। इस कैमरे को ऐसे करके इसके अंदर लगाता हूँ, इसको टाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये बन गया है मेरा हेलमेट कैमरे वाला, जैसे उन भाई ने बोला था इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बन गया मेरा हेलमेट कैमरा वाला, GoPro वाला हेलमेट मेरा बन गया। अब मैं इससे कुछ भी चाहूँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि आप आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए GoPro के अंदर एक डिवाइस आता है, वो लगता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लगता है वो छोटा सा, उसको ऑडियो एडेप्टर बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे करके हटा दो, क्योंकि आपको वो उसकी केबल जो है ना वो यहाँ से डालनी पड़ेगी अंदर, और उसको भी आपको ऐसे ही जुगाड़ करके एडजस्ट करना पड़ेगा और माइक ले जाओ आप अंदर। लेकिन हम लोग, मैं अपनी आवाज़ अपने वीडियो कैमरे के साथ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। मैं अभी भी, जबकि मैं DSLR से इस वक्त शूट कर रहा हूँ और हमारे पास जो बोया का माइक है, जो डायरेक्शन माइक होता है, वो भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्मार्टफोन से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि जो मेरा स्मार्टफोन है इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर है, जो आसपास की नॉइज़ है वो ये हटा देगा। लेकिन कैमरास के साथ क्या होता है कि आपको नॉइज़ कैंसिलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती है। उस केस के अंदर होता है कि आपकी जो वॉइस है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, शोर आता है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना। अगर आप अपनी वॉइस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बाद के अंदर एडिट करके और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वॉइस निकल गई है। जो वीडियो फाइल होती हैं वो कई GB की होती हैं, कई GB की वीडियो फाइल होती हैं, तो उसमें से ऑडियो निकालना, फिर ऑडियो उसके अंदर डालना, वो बहुत लंबा चौड़ा
चीज़ आता है। ऑडियो को अलग रिकॉर्ड कर लो, वीडियो को अलग रिकॉर्ड कर लो और एक सॉफ्टवेयर Adobe Premiere Pro के अंदर जाके दोनों को सिंक कर लो तो आपका वीडियो सही से बन जाता है। ये आपको ऐसा सा एक मॉड्यूल मिल जाता है छोटा सा, उसमें क्या होता है ये आप ऐसे करके लगाओ और यहाँ पे वो वाला स्क्रू होता है जिसको आप टाइट करोगे इसके अंदर लगा के, ठीक है। और ये आपका इस तरफ से लगा लो चाहे इस तरफ से लगा लो, ऐसे करके ये माउंट हो जाएगा आपका फ़ोन। ओके, अब इन सब चीज़ों को करते हैं साइड और हम देखते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट मैं बता रहा था। ये एक बैक रेस्ट है जो ओरिजिनल जैसा सा बैक रेस्ट होता है, लोहे का जो तार होता है उसको मोड़ के बना रखा है सरिया टाइप्स, वैसे ही है। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लगी जिन लोगों को ऐसे वाला बैक रेस्ट चाहिए। अब इसका जो कुशन है वो मैं बताता हूँ, काफ़ी सॉफ्ट कुशन है। देखो ये जो क्वालिटी है ये कोई सिंथेटिक मटेरियल है, PU बोल सकते हो उसको, पॉलीयूरेथीन। ये वाला प्लास्टिक है, इसके अंदर पीछे भी जो है प्लास्टिक है, लेकिन अब अगर इसके अंदर देखें तो अंदर सारा लोहा ही लोहा भरा हुआ है जिससे कि इसकी मजबूती होती है। अगर लोहे से ये बाहर का बॉडी बनाई जाती तो हो सकता है कि इतनी स्मूथनेस और इतनी क्लैरिटी नहीं आती। ओके, इसके पीछे जो लोगो लगा हुआ है ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था क्योंकि मेरे को दिख रहा था, मैंने लगा दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगे, बट ये लोगो हट जाता है और यहाँ से ब्लैंक होता है, जो चाहो आप इस खाली जगह में लिखवा सकते हो या बनवा सकते हो। ओके, ये जो है ये जो मैंने बताया स्टैंडर्ड वगैरह या क्लासिक वगैरह उसके अंदर अगर आप लगवाओगे तो कुछ ऐसा सा आपको ये फील देगा। मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा, तो सिर्फ मैं लगा के ये दिखा रहा हूँ। ओके, अभी मैंने इसको ऐसे ही टेम्परेरी लगाया है तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके लगा दिया है तो ऐसा सा फील आ रहा है। अब मान लो कि अगर इसको एक्चुअल में हम लगाएं तो ये इतना ऊपर आएगा। अच्छा, ये था एक नॉर्मल सा बैक रेस्ट, इसके अंदर कुछ बताने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम इसको रखते हैं साइड, अब देखते हैं जो कैमरा हमने बनाया। ओके, वायरलेस माइक का जो फायदा ना वो यही है। देखो मैं इस वक्त कितनी ज़्यादा दूर खड़ा हूँ लेकिन मेरी ऑडियो वहाँ तक आ रही है, तो ये होता है एक सेपरेट माइक। GoPro की हो गई है रिकॉर्डिंग ऑन, इसका एंगल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जैसा भी आपको लगता है, और ये हो गया है कैमरा एडजस्ट। अब चलते देखो, एक कैमरा हो रहा और एक कैमरा है जो मैंने हेलमेट में लगा रखा है। यही एक फ़ायदा होता है और यही चीज़ें होती हैं कि टेक्नोलॉजी से आप किस तरीके से खेल पाओ और क्या कर पाओ। तो अब हम चलते हैं इस वाले कैमरे को और इस वाले कैमरे को, दोनों को साथ में शूट करते हैं, वो देखना। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा बताना ज़रूर। और एक छोटी सी कोशिश थी मेरी ये वाला सेटअप दिखाने की कि कैसे बना सकते हैं हम। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, अपने बड़ों को इज्जत दो, छोटों को करो प्यार। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।